एवरीवन, वेलकम टू टेकपुर इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज का वीडियो है एक ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि काफी ही फेमस है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी SCL के फाउंडर द्वारा बनाया गया है या आप कह सकते हैं इस्टेब्लिश किया गया है, उन्हीं के नाम पे है। मैं बात कर रहा हूँ सीयू नादर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो बेसिकली जो सीयू नादर यूनिवर्सिटी है वो दो जगह है, एक तो आपका है दिल्ली NCR में एंड सेकेंड उसका कैंपस है चेन्नई में। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दिल्ली NCR वाले कॉलेज के बारे में या दिल्ली NCR वाले कैंपस के बारे में। चेन्नई वाला जो कैंपस है उसका डिस्कशन हम किसी नए वीडियो में करेंगे, अपकमिंग वीडियो में, वो भी बहुत जल्द ही आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं विकिपीडिया खोल लेता हूं और बेसिक इंट्रो देने की कोशिश करता हूं। तो सीयू नादर, जिसको SNU यानी कि सीयू नादर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, ये एक प्राइवेट रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और वो भी गौतम बुद्ध नगर NH91 दादरी में, राइट। सीयू नादर यूनिवर्सिटी जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा भी मिला हुआ है इस यूनिवर्सिटी को, जिसको जो ये दर्जा मिला हुआ है वो UGC ने प्रोवाइड कर रखा है। ये यूनिवर्सिटी 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था, फाउंड किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया था, सीयू नादर फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, जो कि SCL के फाउंडर है। एंड ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। लोकेशन आपको मैंने बता दिया है कि गौतम बुद्ध नगर में है, उत्तर प्रदेश। बात करूं अगर मैं कैंपस एरिया का, तो 286 एकड़ का कैंपस एरिया है। अफिलियेशन इसको सिर्फ एक जगह से मिला हुआ, डेट इज UGC, जो कि अपने आप में काफी है, पर्याप्त है। इसके अलावा इसमें टोटल 4 स्कूल्स हैं। पहला है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, सेकंड इज स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, थर्ड इज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड फोर्थ एंड लास्ट इज स्कूल ऑफ नेचुरल साइंस, राइट। बात करता हूं रैंकिंग की, यानी कि NRF रैंकिंग की। 2021 में ओवरऑल रैंकिंग इसकी थी 84। बात करूं यूनिवर्सिटी में जो रैंकिंग थी वो था 56 इन 2021। 2022 का इन्होंने अपडेट नहीं कर रखा है, तो उसके लिए मैं अभी बता नहीं पा रहा हूं आपको, लेकिन इतना आपके लिए काफी है। 2021 में इतना अच्छा रैंकिंग थी तो 22 में भी उसके आसपास ही होगा। अब बात करता हूं यहां पर कौन कौन से रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। तो आपको मिलेगा, पहला है स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, सेकंड होगा आपको एक लेक मिलेगा, तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो एक लेक मिलेगा जो कि नो स्मोकिंग जोन होता है, वहां पर आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वेंडिंग मशीन आपको मिलेगी, हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर आपको मिल जाएगा, फार्मेसी मिल जाएगी एंड यूनिसेक्स जिम मिलेगा, यानी कि मेल एंड फीमेल, गर्ल एंड बॉय दोनों जाकर के जिम कर सकते हैं, ऐसा जिम की फैसिलिटी भी दे रहे हैं। इसके अलावा टक शॉप आपको मिल जाएंगे एंड लेक व्यू ऑफ स्कूल्स इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। अब इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आपको क्या क्या मिलेगा वो आप डिटेल में यहां पढ़ सकते हैं, सारी चीजें लिखी हुई है। एंड नेक्स्ट बात करूंगा तो आपको ATM एंड बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाएगी और इंडियन पोस्ट ऑफिस यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिल जाएगा। इसके अलावा मिनी मार्ट आपको मिल जाएगा, छोटा सा मार्ट मिलेगा जहां से अपने डेली की नीड की जो चीजें होगी, लाइक मिल्क हो गया आपको, मान लीजिए आपको कोई भी चीज और लेनी है, बिस्किट्स लेनी है, नमकीन लेनी है, सारी चीजें आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक सैलून भी मिलेगा एंड लॉन्ड्री सुविधा भी मिल जाएगी आपको कैंपस के अंदर। ये सारी फैसिलिटी एंड रिसोर्सेज आपको मिलेगा पूरे 286 एकड़ के रेसिडेंस में, राइट। लगभग 2200 से अधिक स्टूडेंट यहां पर होते हैं, 250 फैकल्टीज हैं, स्टाफ मेंबर हैं, और फैकल्टीज में सारे होंगे, चाहे वो टीचिंग वाले फैकल्टीज हो चाहे नॉन टीचिंग के फैकल्टीज हो, सारे इंक्लूडेड है इसमें, ओके। इस वीडियो में जो मैं मेनली बात कर रहा हूं वो है आपका बीटेक। तो बीटेक में कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग ब्रांचेज हैं, मेनली कितने ब्रांचेज हैं, टोटल आपको मिलेगा यहां पर 5 ब्रांच। फर्स्ट इज सिविल इंजीनियरिंग, सेकंड इज केमिकल इंजीनियरिंग, थर्ड इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फोर्थ इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड लास्ट एंड फिफ्थ इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके। तो आपको इस वीडियो में मेनली मैं दिखा देता हूं कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कैसा होता है एंड यहां पर कुछ सैलरी कितने ऑफर किए गए, हाईएस्ट, वो सब चीजें भी यहां पर दिख जाएंगी आपको। डिपार्टमेंट वाइज भी मैं दिखाऊंगा, बट थोड़ा सा वेट करिए, पहले आपको दिखाता हूं मैं फी स्ट्रक्चर कितना है, राइट। तो फी स्ट्रक्चर आपको कुछ दिख रहा होगा यहां पर, अगर आप बीटेक कर रहे हैं किसी भी ब्रांच से तो आपको टोटल जो फीस देनी होगी 13,50,000 रुपया टोटल देनी होगी 4 साल की, राइट। ये ट्यूशन फीस है आपका फॉर बीटेक स्टूडेंट्स,
अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग फीस है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको हॉस्टल फीस देनी पड़ेगी। हॉस्टल फीस आपका लगेगा पूरे 4 साल का 4,40,000, एंड आपका मेस चार्ज पड़ेगा 2,20,000, यानी कि 55,000 पर ईयर आपका पड़ने वाला मेस चार्ज, एंड 1,10,000 पड़ेगा आपका हॉस्टल चार्ज पर ईयर। एंड अगर लॉन्ड्री सुविधा आपको चाहिए तो फिक्स चार्ज है 42,000 रुपए पर ईयर। इसके अलावा ये हॉस्टल फीस जो है हर साल 5 से 8% के आसपास ये बढ़ जाता है हर साल, तो उसका आपको ध्यान देना होगा। ये आप बाद में बोलेंगे कि भैया ने बता दिया था कि इतना ही लगेगा और ये 5% 10% बढ़ रहे हैं, तो वो चीजें पहले उन्होंने मेंशन कर रखा है कि 5 to 8% बढ़ेगा। उसका रीजन है कि जो इन्फ्लेशन रेट होती है वो लगभग 8% के आसपास आती है, तो उसी के बीच में ये अपना जो चार्जेस होगा वो बढ़ाएंगे, राइट। देखिए, अब आपको एडमिशन लेना है बीटेक में 2023 में, तो कैसे एडमिशन आप लेंगे? तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपका एलिजिबिलिटी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है आपका? तो एलिजिबिलिटी के लिए है बीटेक वालों के लिए कि किसी भी ब्रांच में आपको लेना है, जो 5 ब्रांचेस अवेलेबल है, तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, एंड इंग्लिश एक मैंडेटरी सब्जेक्ट के तौर पर होगा, और आपके पास इन सभी के मार्कशीट अवेलेबल हो, यानी कि आप 12th पास आउट हो, आप एलिजिबल है, राइट। ये इन्होंने एलिजिबिलिटी में लिख रखा है ऑल सब्जेक्ट इन मार्कशीट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट, राइट। इसके अलावा थोड़ी सी और भी इसमें डिटेलिंग है, बता रहा हूं आगे आपको। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि किस बोर्ड के लिए कितना परसेंटेज कंपल्सरी है, राइट। अब आप देखेंगे तो अलग अलग स्टेट के जो बोर्ड्स की वैल्यू है, सीयू नादर यूनिवर्सिटी ने उसकी जो कैलकुलेशन की अपने अकॉर्डिंग अलग अलग की है। अगर आप बात करें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, तो वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में 75% यानी कि 75% से ऊपर होना चाहिए, और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनमें ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए, राइट। बात करूं सीबीएसई एंड आईएससी बोर्ड की, तो उसमें आपका 70% होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, एंड बोर्ड ओवरऑल जो है 50% होना चाहिए अदर सब्जेक्ट में, ओके। अब मैं बात करूं असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पंजाब, तो इसकी अलग वैल्यू है। तो अगर 65% आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों में आपका 65 से ऊपर होना चाहिए, एंड हर एक सब्जेक्ट जो मिनिमम है कम से कम आपका 50% होना चाहिए, ठीक है, जो आपके बच रहे हैं। अगर आप 12th में हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा और इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, तो इन सभी में आपका कम से कम हिंदी एंड इंग्लिश में 50% होना ही चाहिए, कंपल्सरी है, राइट। इसके बाद फोर्थ पे आता है बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, जो कि ये कॉलेज जो उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। इन सभी में अगर आप इन किसी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, इन स्टेट्स के बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कम से कम 60% होना चाहिए और रिमेनिंग सब्जेक्ट में आपका 50%। इफ यू आर आईबी कैटलॉग, तो आपका एग्रीगेट कोर्स 28 विथ मिनिमम 4 इन एवरी कोर्स। अगर आपने कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन पास की है तो आपका परसेंटेज यूनिफॉर्म मार्क्स सेम एज द सीबीएसई, यानी कि ये सीबीएसई जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट। ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। अब मैं एक स्टेप बैक चलता हूं, ओके। अब अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन का प्रोसेस क्या है? तो आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो उसके लिए पहला रूट है कि आप जेईई मेन 2022 एंड 2023 किसी का एग्जाम दिए हो, हाई परफॉर्मेंस में भी ऑफर डायरेक्ट एडमिशन बेस्ड ऑन जेईई मेन स्कोर 2023 और 2022, यानी कि अगर आपको 2023 में एडमिशन लेना है तो अगर आपने 2022 में भी एग्जाम दिया था जेईई मेन्स का, तो उसके बिहाफ पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, राइट। सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज है अगर आपका मार्क्स ज्यादा है, अच्छा परफॉर्मेंस किया है जेईई में, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, और जब आप अप्लाई कर देंगे तो जो लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे उन कैंडिडेट के पास एक कॉल आएगा फॉर इंटरव्यू, ठीक। सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका है SNU सेट, सीयू नादर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट एंड एप्टी होगा, जिसके बिहाफ पे आपका एडमिशन होने वाला है। अब ये क्या होता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा सबर रखिए। उसके लिए अगर आप SNU एंड APT, मतलब APT का मतलब हो गया एकेडमिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट,
ये दोनों टेस्ट आपको क्लियर करने होंगे। अब SNU SAT यानी कि सीयू नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो 2 घंटे का होगा, उसमें पूछेंगे ये लोग। इसमें आपका वर्बल रीजनिंग होगी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी होगी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होगी एंड एसे होगी। ये 4 चीजें होंगी। वर्बल रीजनिंग के लिए 30 मिनट टाइम मिलेगा, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए 36 मिनट मिलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के लिए 40 मिनट आपको टाइम मिलेगा एंड एसे के लिए 50 मिनट। ओके, इसके अलावा इसके बाद आपको एकेडमिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि APT, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के 45 मिनट के टेस्ट होंगे, जो कि आपके फिजिक्स में होंगे 45 मिनट एंड 45 मिनट होंगे आपके मैथमेटिक्स के। वो दोनों आपको क्लियर करने होंगे। ये जो भी ये पेपर होने वाले हैं ये निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन दिस टेस्ट। ओके, फिर उसमें जो आपका रिजल्ट आएगा उसके बिहाफ पे आपको एडमिशन मिलेगा एंड आपके फीस में कुछ छूट भी मिल सकती है, राइट। अब ये आपको सवाल उठता होगा कि ये एग्जाम का लास्ट डेट कब है, तो 2022 में 5 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है एंड 31 मार्च इसका एप्लीकेशन का डेडलाइन है, तो 31 मार्च तक आप इसको भर सकते हैं। ये जो डेडलाइन है वो फर्स्ट राउंड के है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट राउंड भी हो सकता है अगर इनकी सीटें फुलफिल नहीं होंगी तो, राइट। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग फॉर्म फिल करें एज ए बैकअप प्लान, ठीक है, क्योंकि यहां पढ़ाई अच्छी होती है, फीस ज्यादा है लेकिन पढ़ाई अच्छी होती है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करवाने में ये लोग एबल है, उस तरह की टेक्नोलॉजी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब मैं बात करता हूं फीस का, तो अगर आपको यहां पर एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के लिए सिंपली यहां पर लिखा हुआ क्रिएट अकाउंट, ठीक है, इसका लिंक जो होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक से आप यहां पर फॉर्म फिल करिएगा। क्रिएट अकाउंट, कैंडिडेट का ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। इसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे एंड किस प्रोग्राम के लिए आपको एडमिशन लेना है, उस प्रोग्राम के लिए किस ब्रांच में एडमिशन लेना है बीटेक के, वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद आप सबमिट करेंगे, फिर आपका अकाउंट क्रिएट होगा, फिर लॉगिन करने के बाद पूरा कंप्लीट फॉर्म भरिएगा, उसके बाद आपका ईमेल आईडी वेरिफिकेशन होगा, बाकी चीजें आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर दिक्कत आएगी तो यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम, ऑन इंस्टाग्राम, स्पेशली इंस्टाग्राम पे आप कोशिश करिए कॉन्टेक्ट करिएगा, आपको इजी होगा। सारा लिंक, सारे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, राइट। और अब मैं बात करता हूं फीस का, तो फीस कितना देना होगा, तो 25,000 रुपए आपका एडमिशन फीस है, ठीक है, बीटेक वालों के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। और 25,000 रुपए आपको देना होगा आपका जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि फिक्स है, वो आपका रिफंडेबल है। एडमिशन फीस रिफंडेबल नहीं होता है लेकिन सिक्योरिटी फीस रिफंडेबल होगा, जब आप यूनिवर्सिटी छोड़ेंगे तो 25,000 रिफंड मिल जाएगी, राइट। अगर आपने कोई भी तोड़फोड़, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है यूनिवर्सिटी की नजर में, तो नुकसान कम थे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता ना चले जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको, ठीक। अब बीटेक का जो फीस है आप डिटेल में देख सकते हैं, 1 साल का अगर आप वहां पर ट्यूशन फीस, ठीक है, एंड ट्यूशन फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस टोटल ले लेंगे तो आपका 5,75,000 के आसपास पड़ेगा इंडियन रूपीज में कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, ठीक है, और ब्रांचेस के लिए थोड़ा सा कम भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर साइंस वालों को 50,000 रुपए एक्स्ट्रा है क्योंकि उनको अलग अलग सुविधाएं देते हैं तो वो अलग है। तो यहाँ पर टोटल आपका जो होगा उसमें लिविंग एक्सपेंस होगा, मेस चार्ज होगा एंड लॉन्ड्री, तो टोटल 1,75,000 एंड 4,00,000 रुपए आपका ट्यूशन फीस, राइट। तो टोटल आपका 5,75,000 रुपए होगा, ओके, इतना फीस आपको देना होगा फॉर फर्स्ट ईयर बैच, ओके। अब आप सोचेंगे इसमें 25,000 ये भी इंक्लूड है, 25,000 ये भी इंक्लूड है, सारी कुछ चीजें आपको देनी पड़ेंगी, राइट। और जो भी इसमें आपका ये बताया जा रहा है लिविंग के लिए, रहने के लिए हॉस्टल चार्जेस, ये आपके ट्विन शेयरिंग है जो कि नॉन एसी रूम्स है, ओके। आई थिंक क्लियर हो गया, इतनी बातें क्लियर नहीं होगी तो आप पूछ सकते हैं ऑन कमेंट बॉक्स। इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे यहां पर कितना पैकेज हाईएस्ट ऑफर किया गया अभी तक, ठीक है, क्योंकि स्कॉलर सॉरी जो प्लेसमेंट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कौन कौन से यहां पर यहाँ के इंप्लॉयमेंट पार्टनरशिप करते हैं, तो पहला देखिए आपको दे रहा पेटीएम, टाइटन, टाटा पावर, एट लायर, अशोका दी लैंड,
कॉग्निजेंट, एडोबी, गोल्डमैन सैक, इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका, डेल, एमेजॉन, एरिस्कन, एबीबी, आईबीएम, एससीएल, एससीएल खुद आएगी क्योंकि उन्हीं की कॉलेज है, एचपी, डिलॉयट, यूएफएलईएक्स, अफ्लेक्स, ये सारे कंपनी के साथ का पार्टनरशिप है फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये बुलाते हैं यहां पर। इसके बाद यहां पर हम बात करते हैं हाईएस्ट पैकेज का, तो हाईएस्ट जो पैकेज ऑफर हुआ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वालों के लिए वो है 58 लाख, हाईएस्ट पैकेज मिला हुआ है, एंड 17 लाख से ऊपर पैकेज मिला है लगभग 50% बच्चों को, एंड जो एवरेज पैकेज ऑफर हुए हैं पूरा कैलकुलेट करने के बाद वो है 12 लाख, मीडियम जो सैलरी है वो लगभग 12 लाख के आसपास है, एंड 20% जो बच्चे हैं टॉप के उनको 22 लाख से ऊपर का पैकेज ऑफर किया गया है। प्लेसमेंट परसेंटेज अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, नीचे यहां पर मेंशन किया गया है, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो एवरेज जो पैकेज है 2023 में वो 12.5 लाख के आसपास है एवरेज पैकेज 2023 में, उसके पहले जो पैकेज थे ये इनके कम थे, 2023 में बढ़े हैं, हर जगह रिसेशन चल रहे हैं, पैकेज घट रहे हैं लेकिन यहां पर बढ़े हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव थिंग है फॉर दोज कैंडिडेट हु वांट टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। ओके, अब एक सवाल और उठता होगा कि डिपार्टमेंट वाइज प्लेसमेंट क्या गया है, तो वो भी मैं बता देता हूं आपको। तो देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो प्लेसमेंट है भैया वो 100% है, राइट, 100%, उसका रीजन इतना अधिक फीस ले रहे हैं, अगर पैकेज भी ना प्रोवाइड करवाए, प्लेसमेंट भी ना दिलाए तो मतलब नहीं है कोई वहां पर एडमिशन लेने का। सेकंड थिंग जो है यहां पर जो हाईएस्ट पैकेज यहां पर ये दिखा रहे हैं 28 लाख दिखा रहे हैं ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए एक ट्रस्टेबल नहीं लग रहा। अभी पीछे जो दिया गया था 2022 में जो ऑफर दिया गया था वो था मॉर्गन स्टैनली द्वारा, ठीक है, सी राम कैलमा गुंटा कोई बच्चा था जिसको ये मिला हुआ था बीटेक कंप्यूटर साइंस में, एंड गोल्डमैन सैक जो कंपनी है वो 6 बच्चों को ऑफर की थी, एंड अमेरिकन एक्सप्रेस ने 3 बच्चों को ऑफर की थी, राइट। तो ये रहे आपके डिपार्टमेंट वाइज। तो अगर मैं बात करता हूं केमिकल इंजीनियरिंग का, तो केमिकल इंजीनियरिंग में भी आप देख सकते हैं इन्होंने पैकेज का कुछ जिक्र इसमें नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में पैकेज थोड़ा सा बहुत इतना अच्छा नहीं मिलता है, तो इन्होंने पैकेज की बात नहीं की है। सेकंड मैं बात कर लेता हूं आपका सिविल इंजीनियरिंग का, तो अब सिविल इंजीनियरिंग का देख लेते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग में इन्होंने पैकेज नहीं शो किया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ब्रांच दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें भी आई थिंक ये लोग प्लेसमेंट के बारे में बात आई थिंक नहीं कर रखे हैं, हाँ नहीं किया उन्होंने, क्योंकि यहां पर मेनली जो पैकेज लगता है वो लगता है भैया जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों का, सॉरी कंप्यूटर साइंस वालों का, तो क्योंकि उसके जो अपॉर्चुनिटी होते बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहां पर इन सभी का जो है प्लेसमेंट नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट थिंग क्या है यहां पर जानने वाली, नेक्स्ट थिंग ये है कि आपने देख लिया होगा कि जो प्लेसमेंट है 2-3 तरह से बताया गया है, एक्चुअल प्लेसमेंट कितना है क्या ये भी पता लगाया जा सकता है, यस, अगर आप इनके कंप्यूटर साइंस वाले डिपार्टमेंट में आएंगे तो आपको दिख जाएगा जो पैकेज मिला हुआ था यहां पर, ये पैकेज जो है 2022 का ही फिलहाल है, तो 29 लाख हाईएस्ट गया था ये 2022 का है, एंड 100% प्लेसमेंट ये शो कर रहे हैं, एवरेज सैलरी लास्ट ईयर थोड़ा अधिक थी, मीडियम सैलरी 12.5 लाख के आसपास थी, तो प्लेसमेंट यहां पर अच्छे थे जो लास्ट ईयर जो पैकेज दिए थे ये इनकी कंपनी ने ऑफर की थी। लेकिन जो हाईएस्ट पैकेज 2023 का है वो मैंने बताया आपको, एक बार मैं दोबारा उस पर चलता हूं आपको, हाँ जो हाईएस्ट पैकेज है वो है आपका 58 लाख, ये सही बात है, गलत नहीं है, मैंने एक बच्चे से वहां पर कॉन्टेक्ट किया, उसने बताया कि हाँ ये सच है, एंड जो भी ये डेटा आपको दिख रहा है यहां पर स्क्रीन पे ये सारा चीजें जो है वो चीजें सही है यहां पर, राइट, ये देखिए आप, इसमें कोई भी डाउट संदेह वाली बातें नहीं है। अब अगर आपको कोई डाउट लगता है यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम ऑन इंस्टाग्राम। वीडियो में एंड करते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा वो होगा सिवनादर चेन्नई वाले कैंपस के बारे में, जो लोग साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए वो वीडियो स्पेशल होगा, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा जो कि नॉर्थ इंडिया से है और जाना चाहता है साउथ इंडिया में चेन्नई वाले कैंपस में पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल आप देखें एक अच्छा कैंपस है, उसका भी वीडियो आपको मिल रहा है विद इन 2-3 डेज। ओके, वीडियो को एंड करते हैं, विल मीट वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। एक चीज और, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर रखे हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और अपने दोस्तों को अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके कि इंडिया में एससीएल
की जो फाउंडर है, एचसीएल के जो ओनर है, उनकी भी एक यूनिवर्सिटी है जो कि एक इंडियन फाउंडर है किसी कंपनी के, तो बहुत ही एक प्लस पॉइंट होता है। जैसा कि स्टार्टअप का एक वेब चल रहा है इंडिया में, तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि मेरे इंडिया वाला सीन है। तो लोगों को शेयर करिए, इंफॉर्मेशन जितना अधिक फैलेगा लोगों तक, उतनी अधिक आपको और चीजों का डीप में नॉलेज बढ़ेगा धीरे धीरे, राइट। तो मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।